गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एम एस एक्सिस के अंशता से मैंने आपको फिल्टर लेंस क्यूबिक्स के बारे में बताया कि किस तरीके से इनको सेव किया जाता है। तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैंने कल आपको बताया था कि फिल्टर को क्यूब के रूप में किस तरीके से सेव किया जाता है। तो उसने बताया था रिकॉर्ड फिल्टर शॉर्ट। तो इसमें क्या किया जाता है कि एडवांटेज एंड फिल्टर एंड शॉर्ट में जो रहता है, इसमें रिकॉर्ड फिल्टर एडवांटेज फिल्टर एंड शॉर्ट ये ऑप्शन सब में आते हैं। इसमें क्या रहता है कि डिजाइन विंडो की जाती है। यदि आपको फिल्टर को ग्रिड में चेंज करना हो या फिर सेवस क्यूरी पर करना हो तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्यूरी का आप सेव करना चाहते हैं तो सेवस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। देन यदि क्यूरी के परिणाम को आप फिल्टर के रूप में प्रयोग करना है, जैसे रिकॉर्ड फिल्टर्स एडवांटेज एंड फिल्टर शॉर्ट, तो चुनकर उसमें क्या कर सकते हैं, डिजाइन ग्रिड पर जाएंगे और क्यूरी बटन में जो लोड ऑप्शन रहेगा उस पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो आपके क्यूरी के नाम पर आप क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। जब आप क्यूरी के डाटा बेस के जो विंडो रहती है उसमें क्यूरी टैब पर देखेंगे कि यूजर इसे किसी भी अन्य क्यूरी की भांति यूज कर सकता है। तो इसमें क्या रहता है, सिर्फ ग्रिड के फील्ड जो रहते हैं उनकी वजह से फील्ड को दर्शाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिफॉल्ट रूप में क्या रहता है, आउटपुट ऑल फील्ड्स प्रॉपर्टी को यस करके सेट कर सकते हैं। तो इसमें ये तो हमारा कि फिल्टर को क्यूरी में किस तरीके से सेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्यूरी क्या होता है, क्या देखेंगे क्यूरी। तो क्यूरी क्या होता है, क्यूरी में आता है कि जो यूजर एक्सेस टेबल में स्टोर किए गए डाटा के विषय में करता है कि ऐसा क्यूरी उपकरण द्वारा किया जाता है कि जो क्यूरी के टेबल पर आधारित, क्यूरी को हो सकती है किसके आधार, टेबल के ऊपर तथा अनेक टेबलों पर आधारित जो विषम क्यूरी रहते हैं। यूजर्स में क्यूरी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसे क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब जानकारी प्रदान करता है। तो क्यूरी की सहायता से जो यूजर्स रहता है डाटा को अपनी इच्छा देख भी सकता है और डाटा बेस के समय के साथ अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, या कोई डिजाइन वगैरह देना तो वो अपन क्यूरी में कर सकते हैं। क्यूरी में जैसे कि टेबल को चुनना, यूजर एक या फिर अधिक टेबलों को मतलब जानकारी प्राप्त करता है जो कि आपस से रिलेटेड रहता है, मतलब संबंधित रहता है। तो जैसे यूजर ग्राहक का नाम हुआ, जैसे कि आप कोई भी चीज़ आपने खरीदी और किससे खरीदी, तो उसमें क्या आता है, अपना ग्राहक का नाम आएगा और जिसने ऑर्डर की गई उत्पाद का नाम आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे दो चीज़ आएंगी, फर्स्ट हमारा कस्टमर, सेकेंड हमारा प्रोडक्ट, कस्टमर कौन है उसने क्या प्रोडक्ट लिया है, तो वो टेबल में आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है फील्ड को चुनना, यूजर्स परिणाम में जो फील्ड का चुनना हो, एग्जाम्पल को जैसे कि कस्टमर टेबल से सिर्फ आप क्या देख सकते हैं, सबसे अगर उसकी जानकारी हमें लेना है तो कस्टमर से आपको कस्टमर नेम देखना पड़ेगा और कस्टमर आईडी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा रहता है रिकॉर्ड को क्रमित करना, मतलब उसका कैलकुलेशन करना कि यूजर किसी भी ऑर्डर्स में क्या कर सकता है, डाटा को क्रमबद्ध रूप में कर सकता है, कैलकुलेशन भी कर सकता है, जैसे जोड़ना है, भाग देना है, एवरेज निकालना, वो कार्य आप इसमें कर सकते हैं। क्यूरी पर आधारित टेबल और फॉर्म रिपोर्ट करना कि यूजर क्यूरी से प्राप्त जो परिणाम रहते हैं उसमें टेबल फॉर्म रिपोर्ट भी बना सकते हैं, जो कि जो डाटा रहता है वो डाटा में क्या रहता है, डायनेमिक सेट पर आधारित रहता है। किस पर आधारित रहता है, ये डाटा में, जब भी डाटा का नाम है समझ जाना डायनेमिक सेट पर ही आधारित रहता है। किस पर आधारित रहेगा, ये हमारा डायनेमिक सेट पर ही आधारित रहता है। तो जिसे क्या कहते हैं अपन, डायनेमिक सेट पर जो आधारित रहेगा उसे क्या कहते हैं, डायना सेट कहते हैं। इसके अलावा जब भी यूजर्स रिपोर्ट को प्रिंट करना हो, डाइन फॉर्म को खोलना हो, तो क्यूरी डाटा से आप टेबल्स में उठा सकते हैं। एक्सेस क्यूरी से जो रिकॉर्ड उठाकर उन्हें क्या कर सकते हैं, टेबल को दर्शाएंगे, उसे डायना सेट की डाटा सीट की तरह लगता है। तो ये टेबल डाटा सीट तो नहीं है, डायनेमिक रिपोर्ट का सेट डाटा बेस में स्टोर नहीं किया जाता है। डायनेमिक सेट का जो रिकॉर्ड का सेट रहेगा वो किसमें स्टोर नहीं किया जाता, डाटा बेस में। ये यूजर्स को क्यूरी को रन करता है और सभी रिकॉर्ड्स डायना सेट में रख सकते हैं, क्योंकि क्यूरी को सेव करने पर ये जानकारी होती है कि टेबल, फील्ड, क्रम का प्रकार या सीमाएं, रिकॉर्ड की क्यूरी, तो आदि चीज़ें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें संरचना में सेव की जाती है। स्टोरेज इसमें कम होती है और रिकॉर्ड अपडेट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूरीज, मतलब क्यूरी के प्रकार। एक्सेस में क्यूरीज को फॉर्मेट के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे फर्स्ट हमारा है सिलेक्ट
कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट, क्योंकि एक या अधिक से डाटा को, यदि आपको एक से अधिक डाटा को क्या करना, सिलेक्ट करना हो, फिर डाटा को एक डाटा सीट में रखते हैं जिससे डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं कि रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करना है, रिकॉर्डों में बदलाव एक या अधिक तरीके से कर सकते हैं कि कुछ जो विशेष परिस्थितियाँ रहती हैं। टोटल क्यूरी पर रहती है कि सिलेक्ट क्यूरी में स्थित रिकॉर्डों को भी क्या करती है, जोड़कर रखते हैं। जब यूजर इस प्रकार की क्यूरी को सिलेक्ट करेगा तो एक्सेस क्यू भी ही कहलाएगा। कौन सा एक्सेस डिलीट करना हो तो इसमें एक बार में कई रिकॉर्ड को आप चेंजेस करना संभव होता है, क्योंकि सिलेक्ट क्यूरी में ये एक रिकॉर्ड में ही हो रहा है, एक रिकॉर्ड करते होगा। तो नेक्स्ट हमारा है कि कोस्ट टेबल। ये क्यूरी डाटा को एक कॉलम और टेबल के अनुसार, दो चीजें, टेबल और कॉलम जनाएंगे फॉर्म में दर्शाएगा जो एक स्प्रेडशीट की भांति लगाता है कि पंक्ति और कॉलम को हेडिंग टेबल पर आधारित रहता है। नेक्स्ट है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है कि ये तीन प्रकार के रहेंगे, यूनियन, पास थ्रू, डाटा डेफिनेशन। ये क्लाइंट सर्वर एसक्यूएल डाटाबेस के साथ कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यूरी एसक्यूएल कमांड पर लिखकर बनाई जाती है। तो आज मैंने ये तीन चार प्रकार किस तरीके के हैं क्यूरीज में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर मैं आपको नोट कर लिया। आगे देखते हैं कि डिजाइन व्यू में क्यूरी का निर्माण करना, मतलब क्यूरी इन डिजाइन व्यू। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्यूरी इन डिजाइन व्यू। कि न्यू क्यूरी डायलॉग बॉक्स में जो डिजाइन व्यू रहता है उसमें आप क्या कर देंगे, सबसे फर्स्ट ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें नई विंडोज ओपन रहेंगी। तो फर्स्ट हमारी रहेगी क्यूरी विंडो, सेकंड हमारी रहेगी शो टेबल टू डायलॉग। इसमें यूजर्स को टेबल और क्यूरी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है कि इसमें क्यूरी आप बना सकते हैं, कि इसमें व्यू टेबल जो रहता है वो डायलॉग बॉक्स में, व्यू टेबल डायलॉग बॉक्स में डाटाबेस में स्थित सभी टेबल्स और क्यूरीज के नाम दर्शाएंगे। किसी भी को भी आप सेलेक्ट करेंगे और एड बटन पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, जिससे कि यूजर उसे क्या कर सकता है, जोड़ कर रख सकता है। इसके बाद आप क्या कर देंगे, क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको नई क्यूरी बनाने के लिए जो यूजर्स रहेगा उस टूल बार में न्यू ऑब्जेक्ट करना, उस पर क्लिक करेंगे, क्यूरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यूजर्स ने क्यूरी शुरू करने से पहले टेबल हुआ क्यूरी को सिलेक्ट जो एक्सेस मान लेता है कि यूजर इसी टेबल या फिर जो क्यूरी को सिलेक्ट करना हो वह इसे अपने आप लोड भी कर सकता है। और डिजाइन मोड में यदि आपको शो टेबल डायलॉग बॉक्स करना हो तो डिजाइन मोड पर शो टेबल से किसी भी बॉक्स पर आप टेबल को जोड़ सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, शो टेबल बटन पर क्लिक करेंगे। तो क्यूरी को टेबल हटाना हो, डिलीट करना हो, या फिर ऊपरी भाग में आपको रिमूव करना हो टेबल को सिलेक्ट करना, तो ये सारे आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आया समझ में कि टेबल डिजाइन भी किस तरीके से किया जाता है। तो एक और टॉपिक देख लेते हैं आज कि एक्सेस 2002 एक्सपी क्यूरी बनाना, कि इसमें डायलॉग विंडोज जो रहते हैं वो क्यूरीज बटन पर क्लिक करेंगे, कार्य देखते हैं किस तरीके से करते हैं, फिर देन न्यू बटन पर क्लिक करते हैं और डायलॉग बॉक्स में एक नीचे एक मतलब एक डायग्राम आपके पास आ जाएगा जिसमें दिए गए विकल्पों में एक विकल्प को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सिंपली क्यूरी विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कौन से ऑप्शन पर, सिंपल क्यूरी विजार्ड पर, और नई विंडो को टेबल और क्यूरी सिलेक्ट करेंगे जो किस पर आधारित रहती है, क्यूरी पर। टेबल सेलेक्ट करके फील्ड सेलेक्ट करके उस पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और अगली विंडो का नाम देंगे, फिर डिजाइन व्यू, इसके बाद फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे और आप क्यूरी बनेगी। तो उसमें क्या रहेगा, डिजाइन व्यू का आप एडिट भी कर सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास के लिए इस टाइम से करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपको आगे बताऊंगी। थैंक यू।